हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक स्टूडेंट का एक और नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज का वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टॉप 2019 फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में जो कुछ भी आपको मैं बताने वाला हूं वो आपको अंडर 25,000 से लेकर 35,000 के बीच में देखने को मिल सकते हैं। और इसमें मिनिमम आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 या किरिन 980 इन दोनों में से किसी एक को देखने को मिल सकता है। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू खड़े से बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलिए दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर 8 प्लेस से। नंबर 8 प्लेस पर आपको देखने को मिलता है हॉनर 20। ये स्मार्टफोन आपको करीब 24,999 के प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर आपको 6.26 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिल सकता है। और इस फोन के अंदर आपको किरिन 980 प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है। इस फोन का बेस वेरियंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ ये फोन आपको मिलने वाला है। इसके अंदर आपको 3750mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकती है। इसके अंदर आपको 22.5 वाट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। इसके की हाइलाइट्स है क्वाड कैमरास, NFC, IR पोर्ट। नंबर सेवन्थ प्लेस पर है ओप्पो रेनो 10X जूम। ये स्मार्टफोन आपको करीब 32,990 में देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर आपको 6.6 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। साथ में इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर भी देखने को मिल सकता है। इस फोन का बेस वेरियंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज। इस फोन के अंदर आपको 4,065mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और साथ में इस फोन में आपको 25 वाट्स का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल सकता है। इस फोन के की हाइलाइट्स है ट्रिपल रियर कैमरास, पॉपअप सेल्फी कैमरा और NFC। ये फोन डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है और इस फोन के अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल सकता है। नंबर सिक्स्थ प्लेस पर है नूबिया रेड मैजिक 3। ये स्मार्टफोन आपको करीब 32,999 के प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है 6.65 इंचेस की एक 90Hz वाली AMOLED डिस्प्ले और साथ में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर। इस फोन का बेस वेरियंट है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज। इस फोन के अंदर देखने को मिल सकता है आपको 5000mAh की बैटरी और साथ में आपको 18W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इस फोन का की हाइलाइट्स है लिक्विड कूलिंग एंड फैन एंड शोल्डर ट्रिगर्स, 3.5mm ऑडियो जैक। ये फोन भी डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट कर सकता है। नंबर फिफ्थ प्लेस पर है OnePlus 7। ये फोन आपको करीब 29,999 के प्राइस में देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर आपको 6.41 इंचेस का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। साथ में इस फोन के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इस फोन का बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज। इस फोन में आपको देखने को मिल सकता है 3700mAh की बैटरी और ये फोन 20W का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इस फोन का की हाइलाइट्स है डुअल कैमरास, NFC, डॉल्बी एटमॉस और ये UFS 3.0 के साथ आने वाला है। नंबर फोर्थ प्लेस पर है Xiaomi का Mi 9। ये स्मार्टफोन आपको करीब 30,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। ये फोन इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है लेकिन आप चाहे तो इसे चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है 6.39 इंचेस की एक सुपर AMOLED डिस्प्ले और साथ में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ। ये फोन आपको बेस वेरियंट है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज। इस फोन के अंदर आपको 3300mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और साथ में 27W का फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस फोन का की हाइलाइट्स है ट्रिपल रियर कैमरास और NFC। ये फोन IR पोर्ट के साथ भी आता है। इस फोन के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। नंबर थर्ड प्लेस पर है Lenovo Z6 Pro। ये स्मार्टफोन आपको करीब 32,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। ये स्मार्टफोन आपको 6.39 इंचेस की एक सुपर AMOLED डिस्प्ले के साथ ये स्मार्टफोन मिलने वाला है। इस फोन के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इस फोन का बेस वेरियंट है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज। इस फोन के अंदर आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और 27W का फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। इस फोन का
की हाइलाइट्स है क्वाड कैमरास, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी और डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। इस फोन के अंदर हमारा प्यारा धुलारा 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल सकता है और इस फोन के अंदर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। नंबर 2, सेकंड प्लेस पर आता है ASUS ZenFone 6। ये स्मार्टफोन आपको करीब 27999 के प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस की एक फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। साथ में आपको Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इस फोन का बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज। इस फोन के अंदर आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और साथ में 18 वाट्स का फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस फोन की हाइलाइट्स है डुअल फ्लिप कैमरा, एम्पलीफाइड स्टीरियो स्पीकर्स और साथ में NFC भी सपोर्ट करता है। इस फोन में हमारा प्यारा धुलारा 3.5 mm ऑडियो जैक भी है और इस फोन में डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल सकता है। नंबर फर्स्ट प्लेस पर है Redmi K20 Pro। ये स्मार्टफोन आपको 24999 के प्राइस रेंज में देखने को मिल सकता है। इस फोन के अंदर आपको 6.39 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। साथ में Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। इस फोन का बेस वेरिएंट है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज। इस फोन के अंदर 4000mAh की बैटरी भी देखने को मिल सकती है। ये फोन 27 वाट्स का फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। इस फोन के की हाइलाइट्स है ट्रिपल रेयर कैमरास, पॉपअप सेल्फी कैमरा, NFC और हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm ऑडियो जैक। इस लिस्ट में जो कुछ भी स्मार्टफोन्स के बारे में मैं आपको बताया है, ये सब कुछ मेरे पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपके राय में कुछ और स्मार्टफोन भी शामिल हो सकते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।